हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर्स आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनके क्या इमोशंस हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए। सो आज हम देखेंगे आपका जो भी सिचुएशन है, आप लोग रीडिंग को देख सकते हैं। गाइस, रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखोगे रेजोनेट होगा, कलेक्टिव है, जनरल है, किसी के लिए भी आप इनको देख सकते हो इस रीडिंग को, ठीक है। सो मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए ओपन है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आप कोई भी रीडिंग मिस ना कर सको। सो अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो रीडिंग्स ओपन है, आप मेरे ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मेरे इंस्टा पे मिल जाएगा। इंस्टा का आईडी स्क्रीन पे मेंशन है, वहाँ पे मस्ट फॉलो करें। जो लोग इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं उन पर फोकस करिए एंड इस वीडियो को लाइक करें ताकि एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। अपने पूरा फोकस जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं उन पर लगाइए एंड उनके उनका कोई विजुअलाइज करिए उनको एंड उनकी कोई पिक्चर, उनकी कोई आपको यू नो उनकी कोई फेस याद है तो उसको अपने सामने लेकर आइए और फिर आप रीडिंग को देखिए। चलिए लेट्स सी, देखते हैं वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे हैप्पीनेस, देन वी हैव एंगर, वन मोर कार्ड एंड देन वी हैव एनर्जी। रेड नंबर जो है आपके इस पर्सन के रेड नंबर, रेड कलर, सॉरी मैं इतना ज़्यादा रीडिंग के अंदर फोकस्ड हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। ओके, सो गाइस, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि रेड कलर इस आपके जो पार्टनर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा फेवरेट कलर हो सकता है। अगर उनका नहीं है तो डेफिनेटली आपका रेड कलर किसी का फेवरेट हो सकता है, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द रेक है इंट्यूशन। पर्सन का स्टार साइन एरिस लियो सैजिटेरियस मुझे नज़र आ रहा है अभी तक जो एनर्जी है, एंड देन वी हैव पाइसिस की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। इंट्यूशन, आपके ये जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो गाइस, ये जो इंसान है ना, ऑब्वियसली यहाँ पे इंसान ही है सब, तो जो नहीं है इंसान वो यहाँ से जा सकते हैं बिकॉज ये वैसे भी चैनल ह्यूमैनिटी के लिए है, ठीक है। ओके, सो ये जो आपके पर्सन है गाइस, इस टाइम इनकी एनर्जी ऐसी फील हो रही है इनको आपकी तरफ कि ये एक आपकी तरफ ऐसा कनेक्शन महसूस कर रहे हैं जो एक मिक्सचर है, लाइक लव एंड हेट का मिक्सचर, ठीक है, हैप्पीनेस एंड एंगर। स्टिल दिस पर्सन फील लाइक आप लोग इनसे प्यार भी करते हो बट एट द सेम टाइम आपको इनसे नफरत भी है, ये खुद भी वैसा ही फील कर रहे हैं। बड़ा एक खट्टा मीठा सा आपका प्यार मुझे लग रहा है, ये कनेक्शन बड़ा खट्टा मीठा सा है, लाइक आप लोग एक दूसरे के साथ लड़ते भी हो, एक दूसरे के को बुरा भी समझने की एक एनर्जी है। इट डजेंट मीन कि आप एक दूसरे से उस तरह की नफरत करते हो, लेकिन ऐसा है कि समटाइम किसी बात पे गुस्सा आ जाना और उस वजह से आपको दूसरा बंदे से बात नहीं करने को दिल चाहता, ऐसी सिचुएशन है। लेकिन जब आप उसे जब यू नो बड़ी प्यार वाली बातें हो रही होती हैं तो आपको लगता है जैसे आपको इनसे प्यार ही इतना है कि कभी आपकी लड़ाई नहीं हुई है, कभी आपको इनसे नफरत ही नहीं हुई। नफरत ऐसी ही नहीं है कोई बड़ा, कोई बिल्कुल ही नफरत, वो वाली नफरत नहीं हो रही। वैसे ही जब आप किसी से अपने जिन लव वन से नाराज़ होते हो तो उनका फिर वो आप हेट और लव टाइप का कनेक्शन होता है, बट ऐसा नहीं होता वो हेट जो कि आपको अगले की शक्ल देखने को भी दिल ना करे, वो नहीं है हेट यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इनको आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग महसूस हो रही है, ये आपके बारे में जब सोचते हैं या जो एनर्जी फील कर रहे हैं इनको काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होती है। स्टिल ये आपको कहीं ना कहीं देख रहे हैं, जैसे इनकी नज़र आप पे है, ये पर्सन को पता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा इनसे गुस्सा हो, काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो, नाराज़ हो, बट स्टिल इनको लाइक इंटरेस्ट है कि आप लोगों की लाइफ में आप क्या कर रहे हो, आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या चल रहा है आप लोगों की बेसिकली लाइफ में, ठीक है। तो ये उनकी एनर्जी आप लोगों के लिए है, बट स्टिल ये आपके साथ जो खुशी महसूस करते हैं वो दोबारा करना चाहते हैं, जो कि अभी शायद आपके बात ना होने की वजह से खुशी महसूस तो नहीं कर पा रहे वैसी, लेकिन स्टिल ये चाहते हैं कि उस खुशी को महसूस करें। और जब आपके बारे में सोचते हैं या जैसी एनर्जी आप लोगों की तरफ से इनको आती है एक नेचुरली, वो इनको काफ़ी ज़्यादा इनके फेस पे स्माइल लेकर आ जाती है। और ये पर्सन वैसे भी फील करता है कि आप लोग इस पर्सन के लिए एक हैप्पीनेस की तरह हो कि आप इनको काफ़ी खुश रखते थे, ठीक है। ये पर्सन परेशान हो या गुस्सा होते थे आपसे तो आपको पता है कि किस तरह से आपने इनके फेस पे स्माइल लेकर आनी है या कैसे इस पर्सन को चीयर अप करना है, तो वो सिचुएशन यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। ये अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं बेसिकली, एक इंट्यूशन वाला कनेक्शन आपके लिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि एनर्जी इंट्यूशन की एनर्जी है, इट मीन्स कि ये कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा एक हाई वाइब्रेशन वाला है।
स्पिरिचुअल कनेक्शन है कुछ लोगों का यहाँ पे। चलिए आप यहाँ से देखते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हो। हमारे पास है गाइस रिलीज, स्कॉर्पियो की यहाँ पे एनर्जी है। देन वी हैव टू ऑफ वेंड्स, एरिस लियो सैजिटेरियस। देन वी हैव सेवन ऑफ कप्स, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। इनकी एज 27 हो सकती है। नंबर से फोकस करिए, टू नंबर इंपॉर्टेंट है, सेवन नंबर इंपॉर्टेंट है, देन वन नंबर इंपॉर्टेंट है। आई डोंट नो मुझे यहाँ पे वर्ड्स को क्या हो रहा है, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं आपके, लाइक ये कर कुछ रहे होते हैं, इनका फोकस आपकी तरफ होता है, ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। एस ऑफ स्वॉर्ड की यहाँ पे एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस स्टार साइन है यहाँ पे इनका। देन वी हैव नाइन ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। नंबर 19 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 29 एज, 21 एज हो सकती है इनकी, या फिर आपकी नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये। एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, इट मीन्स आपके ये जो पर्सन है ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। यस, ये पर्सन बहुत ज़्यादा गाइज आपके बारे में सोच रहा है, चाहे आपको पता है या नहीं पता, बट स्टिल ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू, क्योंकि यहाँ पे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी मौजूद है। ओके, अच्छा मैं कार्ड यहाँ पे सेट कर रही हूँ ताकि मुझे अच्छे से कार्ड जो है ना वो नज़र आ सके और मैं आपको बता सकूँ कि बेसिकली क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। अच्छा मैं नंबर तो आपको बता दी हैं, कुछ लोग मुझे यहाँ पर टीनेजर लग रहे हैं, या क्योंकि यहाँ पर टीनेजर की एनर्जी है। ओके, सो गाइज आपके पर्सन को यहाँ पे फील हो रहा है जैसे आप लोगों ने इस कनेक्शन को ख़त्म कर दिया है, आप इस कनेक्शन को ख़त्म करके आप लोग आगे बढ़ चुके हो अपनी लाइफ में, आप लोगों को अब इनकी ज़रूरत नहीं है। दिस पर्सन फील्स लाइक दिस, ठीक है, लेकिन ये अपने पास से आगे नहीं बढ़ चुके। ये पर्सन आपके ऊपर लाइक बिल्कुल भी कनेक्शन को ख़त्म नहीं कर पाया, लेकिन इनकी इसीलिए स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ये खुद को इसीलिए आप लोगों की तरफ एक स्पिरिचुअली कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, बिकॉज ये आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते, आपके साथ चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाहते। बट यहाँ पे इनको काफ़ी लग रहा है कि आपके कनेक्शन में या आपके ना होने की वजह से इनकी लाइफ में काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं इनके सामने, लेकिन स्टिल इनको फेथ है कि चीज़ें आप दोनों के लिए वर्क करेंगी, आपका ये कनेक्शन भी वर्क करेगा और डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान चीज़ें बेटर होंगी जब आप लोग बैठ के एक जगह कम्युनिकेशन करोगे, क्लियर कम्युनिकेशन करोगे, ठीक है, आराम से एक दूसरे की बात सुनोगे, जो भी कोई ऑब्जेक्टिव आप लोगों के होंगे वो आप एक दूसरे के सामने रखोगे, और जिस तरह का भी कोई आप दोनों के दरमियान इशू चल रहा है वो आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आपके दरमियान चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बिकॉज ये बिल्कुल भी जो है आपके साथ कनेक्शन ख़त्म नहीं करना चाहते, ठीक है, लेकिन पास्ट को छोड़ के ये आपके साथ आगे फ्यूचर को अच्छा बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं वहाँ पर, ठीक है। सो अभी ये हर उस चीज़ को जो है रिलीज़ कर रहे हैं जो कि लोग इनको रोक रहे हैं आप लोगों के पास आने के लिए, या किसी भी तरह की कोई सिचुएशंस है जो कि इनको नहीं उस तरह आने दे रही है आप लोगों के पास, तो ये उस पर्सन उस चीज़ों को रिलीज़ करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, वेट कर रहे हैं आप लोगों से बात करने का, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन परेशान हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन, ठीक है। ये अपना स्टेप आपकी तरफ लेना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा, इनको ऑब्वियसली दिस पर्सन नोज के इसको काफ़ी बोल्ड चॉइसेस यहाँ पे लेनी है, काफ़ी बोल्ड डिसीजन लेने हैं आप लोगों की तरफ आने के लिए, क्योंकि ये ड्रीम्स अपने आपके साथ शेयर करना चाहते हैं और इस पर्सन का ड्रीम है कि आप लोगों के साथ कनेक्शन को ठीक करें ताकि आप दोनों आगे की ज़िंदगी को जो है अच्छे से गुजारो, ठीक है, और आपके जो प्लान्स हैं दोनों के बेसिकली, हो सकता है आप लोगों ने पास्ट में काफ़ी प्लान्स एक दूसरे के साथ किए थे कि आप लोग लाइक कनेक्शन बनाओगे या एक दूसरे के साथ किसी तरह की पार्टनरशिप करोगे, कोई बिजनेस करने का भी प्लान आपने बनाया था, लेकिन वो किसी वजह से जो है आप लोगों का यू नो ब्रेकअप हो गया, लेकिन अभी ये दोबारा से उन्हीं प्लान्स को जो है वो आगे एक्सपेंड करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में, ठीक है। लेकिन इनको फेयर है, डरते हैं ये आप लोगों के पास आने से, आपको खोने से भी डरते हैं, परेशान बहुत ज़्यादा ये पर्सन हो रहे हैं, बिल्कुल भी इनका दिल नहीं लग रहा, ये पर्सन अपनी उन सोचों से निकल नहीं पा रहा गाइस, जो इस टाइम ये पर्सन सोच रहा है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव भी समटाइम्स हो जाते हैं कि कहीं कनेक्शन ख़त्म ना हो जाए, उस वजह से डिप्रेशन हो रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज, इनको ऐसे लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में काफ़ी चॉइसेस हैं, आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप शायद इनको आप चूज़ नहीं करना चाहते, बिकॉज इनको लग रहा है आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, दैट्स वाई ये ऐसा इनको एनर्जी आ रही है। दिस पर्सन फील्स यू गाइज आर वेरी ब्रिलियंट पर्सन, शायद अभी आपके पास वापस आएंगे तो आप इनको जज करोगे, ठीक है,
आप लोग बिल्कुल भी जो हो अब उस तरह के नहीं रहे जिस तरह पहले थे, क्योंकि आप जो पास्ट की जो भी सिचुएशन रही है आप उनको रिलीज़ करके आप लोग आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। अब इस पर्सन को लग रहा है कि जैसे आपको लगता है कि ये पर्सन अब आपके लायक नहीं है, आपको कुछ सर्व नहीं कर सकता, दैट्स वाई आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ पे, आप लोग अपने करियर पे ज़्यादा फोकस हो, ठीक है। आप लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो खुद डिवोर्स हो सकते हैं, और आप कुछ लोग अनमैरिड भी हैं और कुछ लोग डिवोर्स भी हो सकते हैं, बट यू गाइज नो वेरी वेल कि आपने अपने आप को कैसे सपोर्ट करना है, आपने अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनना है, तो वो आप लोग बन चुके हो। सकता है ये पर्सन आपका कोई हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जो कि पास्ट में आपके साथ अपना सब कनेक्शन ख़त्म कर चुके हैं और इन्होंने आपको डिवोर्स दे दी थी, बट अभी ये फील कर रहे हैं कि इन्होंने गलत किया है आपको डिवोर्स दे के, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ों को ठीक करने का सोच रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि मैं कहूँ कि ये शादी करने का सोच रहे हैं, नो ऐसा नहीं है, लेकिन ये आपके साथ कनेक्शन ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। बट इस पर्सन को ऐसे आपकी एडिक्शन भी फील हो रही है, बट दिस पर्सन नोज वेरी वेल गाइज कि आप लोग अपने लाइफ में डिसाइड कर चुके हो जैसे कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। आई फील लाइक इस पर्सन ने आपको शायद कोल्ड शोल्डर शो किया और आप लोगों ने वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, हार्ड फेस किया आपने चीज़ें, जो कि आप लोग अपने लिए स्टैंड लेना खुद सीख चुके हो, ठीक है। आप लोगों को पता है कि आपने अपनी पावर का, अपनी स्ट्रेंथ का किस तरह से यूज़ करना है, आपने किस पर्सन को किस तरह हैंडल करना है, इस पर्सन को फील हो रहा है आपको पता है, इसीलिए आप लोग इसको चूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि इस पर्सन ने आपके हार्ड टाइम में आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, इसीलिए आप लोग अब आगे बढ़ चुके हो, आप लोगों के पास इस पर्सन के लिए टाइम नहीं है, दैट्स वाई ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज हो रहा है, इसीलिए ये वेट कर रहा है ताकि आप लोगों के पास आ सके, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन का ड्रीम है, ये अपने प्लान्स आपके साथ जो पहले किए थे इसने उसको लाइक करना चाहता है प्रैक्टिकली, ठीक है। जो प्लान्स पहले आपने बनाए थे, मुझे लगता है पार्टनरशिप के आपने किसी तरह से प्लान्स बनाए थे कि मिलके कोई फ्यूचर में कोई बिजनेस करना या किसी तरह से कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना या किस तरह से कोई काम करना, कि इसीलिए आप लोगों के पास जो है ना ज़्यादा आना चाह रहे हैं ये पर्सन। यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे इंडिपेंडेंट लग रहे हो यहाँ पे, वट एवर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन इनको ये लग रहा है आपके पास चॉइसिस बहुत ज़्यादा हैं। यस, ये बात करना चाह रहे हैं आपसे आपके पर्सन बेसिकली, ठीक है। इनको पता है आप लोग बहुत ज़्यादा इनसे नाराज़ हो, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, लेकिन ये चाह भी रहे हैं कि इनकी चीज़ें जो हैं आपके साथ सॉर्ट आउट हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए आपके साथ। अब मैं यहाँ से देखूँगी गाइस कि इनका जो है नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे आपके पार्टनर्स आपकी तरफ। काफ़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि इनको आपकी स्ट्रेंथ का काफ़ी ज़्यादा पता चल रहा है, ठीक है। ये रिलीज़ कर रहे हैं अपना पास्ट, रिलीज़ करके आपकी तरफ आ रहे हैं। अगर इन्होंने पहले आपको छोड़ के किसी और के साथ, लाइक आपके ये हस्बैंड या वाइफ थे, इन्होंने आपके साथ पहले शादी की हुई थी, ठीक है, उसके बाद इन्होंने आपको छोड़ दिया, डिवोर्स दे दी, किसी और के साथ शादी कर ली, अब ये वहाँ पे छोड़ के आपके पास दोबारा आना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है। वेट कर रहे हैं बात करने का बेसिकली आपसे, क्योंकि सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। देन वी हैव द मून, यहाँ पे इस पर्सन का स्टार साइन कैंसर भी हो सकता है। एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ वैंड्स, इट इज लियो सैजिटेरियस, बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर। यस गाइस, ये पर्सन जो है सक्सेस चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। ये एक्शन लेने के लिए ना सिचुएशन को वैसे बनने का वेट कर रहे हैं, या लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन आपके साथ कनेक्शन को रखना चाहते हैं, लाइक बिल्कुल ही अच्छे वे में एक कनेक्शन को जो है आगे फर्दर लेके जाना, ठीक है। सो ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस टाइम ये आने वाले टाइम के बारे में जब एक्शन लेने का सोचते हैं तो ये अपनी इंट्यूशन को सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इंट्यूशन का हमारे पास कार्ड मौजूद है, ठीक है। ये अपनी इंट्यूशन को सुन के अपने जो इनको यूनिवर्स की तरफ से कोई साइन मिल रहे हैं ये पर्सन, उसके ऊपर अटेंशन दे के फिर ये आपकी तरफ आएंगे और सब फेयर्स को लेट गो करके ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं बेसिकली। जो भी आप दोनों के दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जिस तरह से भी किसी लोगों ने आपके दरमियान किया, या आप दोनों को खुद ही एक दूसरे के या तो फीलिंग्स का नहीं पता, या जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या जिस वजह से आप दोनों के दरमियान एक दूरी आ चुकी है, या गुस्सा है, या फ्रस्ट्रेशन है, कुछ भी है, ये उनको क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन जो ये इस टाइम डर रहे हैं, अभी जिनको डर है आपकी तरफ आने का, आपको खोने का भी, ये उन सब फियर्स को लेट गो करके आपके पास आके एक्शन लेंगे, ताकि आप दोनों का कनेक्शन जो है वो एक अच्छा बने, क्योंकि ये पर्सन आपको काफ़ी पसंद करते हैं, देखते हैं कि आप एक बहुत ज़्यादा लवली पर्सन हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटी है, बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो, और ये पर्सन सेंसिबल अप्रोच भी करेगा। मे बी ये पर्सन अपनी मदर के थ्रू भी आपको अप्रोच कर सकता है, अगर तो आप इनकी मदर आपको जानती हैं तो, अदरवाइज़ ये पर्सन किसी को अप्रोच, किसी के थ्रू अप्रोच करेगा आप लोगों को,
लेकिन बहुत समझदारी से काम लेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना डिसिप्लिन्ड आपके साथ कनेक्शन को रखना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा लॉजिकल वे में इस टाइम सोच रहे हैं कि किस तरह से इस कनेक्शन को सक्सेस की तरफ लेकर जाना चाहिए। दिस पर्सन इज़ वेरी सीरियस और काफ़ी मेच्योर एनर्जी है। यहाँ पे अगर बात की जाए मेच्योरिटी इमेच्योरिटी की, तो ये एनर्जी आज की बहुत मेच्योर है, ठीक है, लाइक चाहे इस पर्सन की एज भी इतनी ना हो लेकिन ये मेच्योर है अच्छा खासा। वैसे इस पर्सन की एज 20 प्लस या 40 प्लस है, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।